और चलिए इस बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें, बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। पानीपत से सिविल अस्पताल में कोरोना विस्फोट हुआ है, तो पानीपत से ये बड़ी खबर। अस्पताल के 6 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सिविल अस्पताल में कोरोना विस्फोट हुआ है और 6 डॉक्टर संक्रमित पाए गए हैं। पानीपत से बड़ी खबर, अस्पताल के 6 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सिविल अस्पताल में कोरोना विस्फोट, पानीपत से यह बड़ी जानकारी। अस्पताल के 6 डॉक्टरों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, तो जिस तरह से न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश के अलग 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 राज्यों में भी देखा जा रहा है कि जो डॉक्टर्स हैं वो कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। रोहतक पीजीआई में भी कई डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित हुए हैं, स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हुए हैं। और अभी जानकारी पानीपत सिविल अस्पताल से, जहां पर 6 डॉक्टरों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। बेहद चिंताजनक है पूरी खबर। सिविल अस्पताल में कोरोना विस्फोट हुआ है, जिस तरह से डॉक्टरों में संक्रमण फैल रहा है, जिस गति के साथ फैल रहा है, इससे आने वाले वक्त में कोरोना के खिलाफ जंग मुश्किल हो सकती है। लगातार देश भर में डॉक्टर्स में कोरोना संक्रमण हो रहा है और बहुत तेजी के साथ हो रहा है। इस बीच ये बड़ी जानकारी पानीपत से, जहां सिविल अस्पताल में कोरोना विस्फोट हुआ, 6 डॉक्टरों में संक्रमण की पुष्टि। और कुलवंत हमारे सहयोगी इस खबर पर और बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। कुलवंत, सिविल अस्पताल में कोरोना विस्फोट हुआ है, 6 डॉक्टरों में संक्रमण की पुष्टि, बेहद ही चिंताजनक पूरी खबर। देखिए, बिल्कुल सिविल अस्पताल में कोरोना का बम फूटा है। और पानीपत की बात की जाए तो 150 से ज्यादा केस जो है रोज इस समय आ रहे हैं, और कल 229 केस रात को आए हैं, और 700 से ज्यादा केस इस समय एक्टिव चल रहे हैं। और अभी डॉक्टरों की बात की जाए तो पीएमओ, डिप्टी सीएमओ के अलावा कई जो डॉक्टर हैं, 6 डॉक्टरों को भी बताया जा रहा है कि ये कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, घर पर ही आइसोलेट कर दिया गया। और जितने भी लोग इनके संपर्क में, जितने भी डॉक्टर इनके संपर्क में आए हैं, सभी की जांच जो पड़ताल जो है अब की जा रही है। और बिल्कुल जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं डॉक्टरों में, वो बेहद ही चिंताजनक है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलवंत।